व्हाट्स up everyone? Welcome वेलकम बैक टू द चैनल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक क्विक रिविजन आज चार चैप्टर्स का रिविजन करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर थ्री आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों ने ये रिविजन जी एन जी सीरीज से करना शुरू कर दिया होगा मैं आपको अब क्विकली एक फटाफट से इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा सारी चीज़ें रिवाइज करने में रात को आठ बजे फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और बचेंगे हमारे दो चैप्टर्स जिसको कल करेंगे और करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को समाप्त तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है लेट्स विज्ञान स्टार्ट करते हैं बेटा जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ तो क्या है इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फाइनेंस क्या है तो फाइनेंस सबको चाहिए भैया किस लिए चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस को चलाने के लिए मॉडर्नाइज करने के लिए एक्सपेंड करने के लिए तो फाइनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट कि पैसा कहां से आएगा एज वेल एज उसका प्रॉपर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस इसका एम ये भी होता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कम से कम हो और जो रिटर्न आए वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए सो so, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कॉस्ट कम से कम आए कॉस्ट कम से कम आए और अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा आए शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ठीक है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करते टाइम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स कितने हमारे पास फिक्स एसेट्स होने चाहिए कितने अमाउंट में होने चाहिए क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स और फिर कितना उसमें कैश हो कितना इन्वेंट्री हो कितना बी हो मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने फिक्स एसेट्स हो फिर देखना है कितने करंट एसेट्स हो उसके बाद हमें देखना है कितना हम फंड लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे कितना हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे फिर जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है हमारी वो डेट में कितनी होगी इक्विटी में कितनी होगी उसके बाद पी एंड एल में जाने वाली जितनी भी आइटम्स हैं जैसे अगर आप डेट में जाते हो तो इंटरेस्ट होगा इक्विटी में जाते हो तो फिर आपको उन पर डिविडेंड देना होगा तो इन सारी चीजों को डेप्रिसिएशन को सबको कंसिडर करके चलना पड़ता है ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आ जाता है बेटा उसके बाद बेटा हमारे पास तीन प्रकार के डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन सबसे पहला डिसीजन आ रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि आप जो भी आपका पैसा है उसको आप कहां पे इन्वेस्ट करने वाले हो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है इट इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन डिफरेंट एसेट्स ठीक है लॉन्ग टर्म में हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म में होगा तो उसको कैपिटल बजटिंग बोलेंगे शॉर्ट टर्म में होगा तो वर्किंग कैपिटल बोलेंगे अब सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं तो देखो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं भैया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कि कैश फ्लो उस प्रोजेक्ट से आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका मतलब आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करो वहाँ से कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए सही है उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न कितना रिटर्न आएगा वहाँ से अगर आप आपने किसी बिजनेस प्रपोजल में पैसा लगाया और वो आपको चार परसेंट पाँच परसेंट का कार्रवाई दे रहा है तो भैया इससे अच्छा तो बैंक में रख लेते हैं बिजनेस करके भी क्या करोगे है ना तो रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आना चाहिए एक एलिमेंट और होता है बच्चों इसके अंदर रिस्क आपको रिस्क कितना लेना है रिस्क एपीटाइट कितना है तो बहुत हाई रिस्क भी नहीं लेना चाहिए बहुत लो रिस्क भी नहीं लेना चाहिए मॉडरेट रिस्क में आपको जाना है उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी क्या वहां पे रॉ मटेरियल मिलेगा क्या वहां से प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट तो डिसीजन, डिसीजन।, डिसीजन में आता है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं क्या हम जो फाइनेंस अरेंज करें वो डेट से करें या फिर हम इक्विटी से करें डेट जो है बच्चों ये थोड़ा सा रिस्की है इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन इसका कॉस्ट कम है इक्विटी में रिस्क कम है लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होता है तो आपको डेट और इक्विटी को अच्छे से कंपेयर करके ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है पैसा रेज करना होता है बेसिकली कि पैसा आएगा कहां से ठीक है तो अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले कॉस्ट आपका कितना खर्चा आ रहा है फिर रिस्क अगर आप डेट वगैरह में जाओगे तो रिस्क काफी होता है है ना तो अगर आपको कॉस्ट देखना है तो जिसमें भी कम कॉस्ट आए उसमें जाओ रिस्क देखना है तो डेट थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है आप रिस्क ले सकते हो तो डेट में जाओ नहीं तो इक्विटी में जाओ फ्लोटेशन कॉस्ट अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है सर कॉस्ट ऑफ इशू तो लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रहा है डिवेंचर या शेयर्स इशू करके ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है तो आप लोन फ्रॉम बैंक दे सकते हो लोन फ्रॉम रिलेटिव देख सकते हो ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी अगर बच्चों कैश फ्लो का पोजीशन अच्छा है कंपनी का तो ही डेट में जाना क्योंकि डेट पे आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप नहीं दोगे तो आपके एसेट्स बिक जाएंगे तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो ही डेट में जाओ नहीं तो मत जाओ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ऑलरेडी आपके पास कोई इंटरेस्ट कोई रेंट कोई इंश्योरेंस मतलब फिक्स आपके खर्चे हैं तो फिर आप कोशिश करो डेट अवॉइड करो क्योंकि डेट पे एक और फिक्स कॉस्ट आ जाएगा जो कि देना ही पड़ेगा तो आप अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो डेट अवॉइड करो उसके बाद कंट्रोल कंसिड्रेशन देखो अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल बना रहे कोई भी नया इंसान आके आपका कंट्रोल ना ले तो फिर शेयर्स इशू मत करो क्योंकि शेयर इशू करोगे तो उस सिनारी में उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे जो भी शेयर खरीदेगा उसको वोट करने का अधिकार होगा तो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा वो इंसान है ना तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं पर भी पैसा रेज कर रहे हो और आपको कंट्रोल डायल्यूट करने में प्रॉब्लम है तो फिर आप डेट में जाओ कंट्रोल डायल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इक्विटी में जाओ स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मार्केट में क्या चल रहा है तो अगर मार्केट में बूम है बच्चों मार्केट अच्छा है खूब पैसा बन रहा है तो इक्विटी में जाना चाहिए क्योंकि लोग रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट रिसेशन पे है यानी मार्केट नीचे है तो फिर आपको किस में जाना चाहिए डेट में जाना चाहिए ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में देन वी हैव डिविडेंड डिसीजन सर डिविडेंड डिसीजन क्या होता है यानी कि आपने देखो सबसे पहले क्या करा

हाउ मस्ट टू बी रिटेन इन द बिजनेस अब क्या क्या सोच के करना पड़ता है देखो सबसे पहले कितनी अर्निंग्स है अर्निंग्स अच्छी हैं तो डिविडेंट ज्यादा दोगे अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंट ज्यादा दोगे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स देखो बच्चों जिन भी कंपनीज की स्टेबल अर्निंग्स होती हैं यानी वो काफी पुरानी कंपनीज हो चुकी हैं बिजनेस उनका ऑटो पायलट मोड पर जा चुका है बढ़िया चल रही है वो कंपनीज तो वो लोग नॉर्मली डिविडेंट ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू द कंपनीज जिनकी अनस्टेबल अर्निंग्स होती है ठीक है उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंट कुछ कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो करके चलती हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम भी हुआ तो भी हम डिविडेंड देंगे चाहे हम अपने पुराने वाली सेविंग्स में से दें क्योंकि वो हमारी रेपुटेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो जो भी कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो करती हैं वो रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो नहीं करती उनका डिविडेंड ऊपर नीचे होता रहता है उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है ग्रोथ ज़्यादा है तो आप डिविडेंड कम दोगे क्यों क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसा चाहिए होगा उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए ग्रैब करने के लिए तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड कम दो सेविंग ज़्यादा करो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर डिविडेंड बांटो यार शेयर होल्डर को खुश करो उसके बाद कैश फ्लो पोजिशन देखो डिविडेंड देने के लिए कैश भी तो चाहिए तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो डिविडेंड दो कैश फ्लो नहीं है तो डिविडेंड मत दो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस आपके शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है अगर आपकी शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस ये है कि भैया हमें तो रेगुलर डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड दो अगर आपके शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस ये है वी डोंट विश टू हैव रेगुलर डिविडेंड हमें डिविडेंड नहीं चाहिए हमारा पैसा री इन्वेस्ट करते रहो हमारा पैसा बचा के रखो अपने पास ही तो फिर आपको डिविडेंड नहीं देना आप वो और कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो टैक्सेशन पॉलिसी देखो बच्चों अगर टैक्स का रेट हाई है आपको डिविडेंड देने पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो डिविडेंड कम दोगे टैक्स का रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा दोगे सीधी सीधी सी बात है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस आपको ये भी देखना है कि डिविडेंड देने से स्टॉक मार्केट पे क्या रिएक्शन आता है अगर डिविडेंड देने से आपकी गुडविल इंप्रूव हो रही है तो डिविडेंड दो भैया अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स

ठीक है लीगल कॉन्स्टेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल कॉन्स्टेंट्स से ही आपको डिविडेंड देना होगा अब लॉ क्या बोलता है कि डिविडेंड तो बाद की बात है पहले अगर आपका कोई लोन है वो चुकाओ है ना उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं पहले उनका पैसा दो उसके बाद फिर इक्विटी को डिविडेंड देना तो लॉ के हिसाब से ही डिविडेंड देना पड़ता है इस चीज का ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है बेटा कि कई बार आप कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में हो जैसे आपने किसी कंपनी से कुछ पैसा रेज करा हुआ है तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका तो पहले आपको उसका पैसा देना पड़ेगा आप इस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जब तक आप इसका पैसा नहीं दोगे तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते तो डिविडेंड देना या ना देना कुछ लीगल कॉन्स्टेंट्स और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है तो ये सारे फैक्टर्स बच्चों हमारे पास डिविडेंड डिसीजन में आ जाते हैं इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है बाबू फाइनेंशियल प्लानिंग सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है नाम में ही है फाइनेंस की प्लानिंग करना फाइनेंस का एक प्रॉपर बजट बना लेना पैसा कब कहाँ कितना लगेगा किस तरीके से आप लगाने वाले हो हर चीज का एक प्रॉपर प्लान बना के रखना प्री डिसाइड करके रखना इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग इट इज द फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टू मेक श्योर फंड अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है मुझे पता है कि छः महीने बाद कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ रहा है मुझे उसके लिए पैसा सेव करना है है ना तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये मेक श्योर sure करता है कि जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो आपके पास अवेलेबल हो दूसरा ये ये भी मेक श्योर sure करता है कि आप अननेसेसरी फंड रेज ना करो देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले होता है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मदद करता है टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो तो आपको पहले से आइडिया होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आप उस हिसाब से अपना बजट तैयार कर सकते हो इससे आपको कोई बिजनेस शॉक्स या बिजनेस सरप्राइज नहीं लगेंगे क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारी चीजों के लिए प्रोविजन बना चुके होंगे आपको हेल्प करता है कॉर्डिनेट करने में अलग अलग फंक्शन को वेस्टेज नहीं होता डुप्लीकेशन नहीं होता ये लिंक है बच्चों बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर दूसरा ये लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बात है सर इनके बीच में कैसे लिंक है देखो बच्चों डिसीजन में आपके पास पैसा आ गया, उस पैसे को इसके बाद हमारे पास एक आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है जल्दी जल्दी से बता दो बच्चों ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है जैसे आपने ऊपर फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा ना कितना डेट कितना इक्विटी ये वही बात है कि आपकी टोटल कैपिटल में कितना आपका अपना पैसा होगा यानी कि कितने ऑनर्स फंडस होंगे और कितना आप बाहर वालों का पैसा लगाओगे यानी कितने बोरोड फंड होंगे तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम मेनली ये डिसाइड करते हैं कि कितना डेट कितना इक्विटी एक अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चों टू रेशो वन माना जाता है यानी डेट अपॉन इक्विटी शुड बी टू रेशो वन यानी जितना आपने अपना पैसा लगाना है उसका ट्वाइस आप लोन लेके लगा सकते हो ठीक है इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स एंड बोरोड फंड कैन बी कैलकुलेटेड बाई डेट इक्विटी रेशो ठीक है अब किस किस चीज से इंपैक्ट आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है और रिस्क पे फर्क पड़ता है तो इससे इंपैक्ट आता है ठीक है क्या क्या फैक्टर्स हैं सर देखो फिर से वही कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो ही डेट में जाओ कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो डेट में मत जाओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ी हुई है सही है तो सपोज आपका इंटरेस्ट एक लाख का है और अर्निंग भी एक लाख की है तो वन टाइम भैया फसोगे इतना ही कमा रहे हो जितना ब्याज देना है कल को अगर प्रॉफिट कम हो गया तो फंस जाओगे सपोज करो कि आपका इंटरेस्ट है पांच लाख अर्निंग है पचास लाख तो अब देखो दस गुना अर्निंग है तो कहीं फंसने का स्कोप नहीं है अगर टेन टाइम्स की अर्निंग है तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा है अच्छा है एक तो आज होली में लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर सुबह से मैं इसीलिए वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि सुबह से लोग इधर उधर इधर उधर हो रहे हैं अभी भी नहीं मान रहे हैं, रहे हैं, देख लो तुम लोग देखो <laughs> खुशी बहुत है लोगों को त्योहार की अच्छा जी चलिए अच्छी बात है अरे यार रुक जा यार, देखो जितना ज्यादा होगा, जाओ भैया आप चले जाओ चलो जी फाइनली आओ जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ठीक है इसके बाद क्या आता है मतलब उतना आप डेट ले सकते हो नहीं तो नहीं लेना डेट सर्विस कवरेज रेश भी बेटा इसका बड़ा भाई होता है। ये भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट होता है।, अगर ये है तो ही आपको ये देखना है कि आप आर ओ आई कितना आ रहा है आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ही आप डेट में जाना नहीं तो आप नहीं जाना कॉस्ट ऑफ डेट में चेक करो बच्चों बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट बहुत हाई तो नहीं है अगर बहुत हाई है तो फिर आप डेट में मत जाओ आप इक्विटी में जाओ ठीक है टैक्स रेट सीधी सीधी सी बात है भैया टैक्स से क्या फर्क पड़ता है देखो अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो आप उस सिनेरियो में डेट ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहा है और जो डेट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है वो आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करता है तो अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो डेट में जाओ टैक्स नहीं है तो फिर आप इक्विटी में भी जा सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना आएगा तो अगर अर्निंग पर शेयर अच्छा आ रहा है तो फिर आप उस हिसाब से डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाओ ठीक है रिस्क कंसिडरेशन रिस्क अगर आप ले सकते हो तो डेट में जाओ रिस्क नहीं ले सकते तो इक्विटी में जाओ फ्लेक्सिबिलिटी आप उतना ही कर्जा लेना जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया और आपकी बोरिंग लिमिट खत्म हो गई कल को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप बोरो नहीं कर पाओगे तो आप इस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करो कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे कंट्रोल सेम पॉइंट है बच्चों अगर आपको कंट्रोल डायलूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इक्विटी में जाओ कंट्रोल आप ही को रखना है तो फिर डेट में जाओ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेबी के रूल्स के हिसाब से ही आपको सारा का सारा काम करना होगा आप कोई भी चीज़ विदाउट रेगुलेशंस नहीं कर सकते आपको फॉलो करके ही चलने पड़ेंगे तो देख लो आप पेपर वर्क रेगुलेशन आपको जिसमें कम लगे जो आसानी से कर पाओ वो आप वहां से पैसा रेज कर सकते हो स्टॉक मार्केट कंडीशन अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है तो आप इक्विटी में जाओगे स्टॉक मार्केट रिसेशन है या डिप्रेशन है तो फिर आप डेट में जाओगे ठीक है जी उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज दूसरी कंपनीज का कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर है आप उसको देख के भी आइडिया ले सकते हो कि हाँ मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चेक कर लूँ कि इस इंडस्ट्री में कितना कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपनीज रखती हैं तो आप उससे आइडिया लेके भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो बट एग्जैक्टली सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ठीक है जी इसके बाद आ रहा है बच्चों फिक्स कैपिटल क्या होता है तो फिक्स कैपिटल होता है बच्चों वो कैपिटल जो बिजनेस के बिल्कुल आपको शुरू में लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है जिससे आप फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो लैंड मशीनरी बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन पे जो पैसा लगता है इसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज बीइंग इन्वेस्टेड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स अच्छा जी अब फिक्स कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए कौन से फैक्टर्स बताते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस अब देखो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ज्यादा चाहिए होगा ट्रेडर हो तो कम चाहिए होगा क्योंकि आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी स्केल ऑफ ऑपरेशन जितना बड़ा स्केल का बिजनेस होगा उतना ज़्यादा जितना छोटे स्केल का बिजनेस होगा उतना कम चॉइस ऑफ टेक्निक अगर आप लेबर इंटेंसिव हो तो फिर आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो तो आपको बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी है तो ज़्यादा चाहिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर टेक्नोलॉजी बच्चों बार 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 चेंज होती है अपग्रेड होती है तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि डेली बेसिस पे मशीनें चेंज करनी पड़ेंगी नहीं होती तो फिर आपको कंपेरेटिवली कम चाहिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर ग्रोथ हो रही है हर चीज की डिमांड बढ़ रही है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए अदरवाइज कम चाहिए डाइवर्सिफिकेशन भी यही है अगर आप नए नए प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे लॉन्च कर रहे हो तो आपको जगह भी ज्यादा चाहिए मशीनरी भी ज्यादा चाहिए सब कुछ ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल भी ज्यादा फिनेंशियल ऑल्टरनेटिव अगर आपके पास अवेलेबल है सर फिनेशियल का क्या मतलब है जैसे आप क्या लीज पे ले सकते हो रेंट पे ले सकते हो क्या अगर आप रेंट पे ले सकते हो तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए क्योंकि खरीदना नहीं पड़ेगा और अगर रेंट नहीं है तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा फिक्स कैपिटल ज्यादा ऐसे ही बच्चों एक पॉइंट आता है लेवल ऑफ कोलेबोरेशन अगर आप मिलजुल के दो तीन लोग मिल के ले सकते हो अगर आप दो तीन लोग मिलकर वो मशीन खरीदते हो तो कंपेरेटिवली पैसा कम आ गया ना एक इंसान का तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए एक अकेले को ही लेना पड़ेगा तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए ठीक है बच्चों ये फिक्स कैपिटल में आ जाता है देन वी हैव वर्किंग कैपिटल सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है वर्किंग कैपिटल होता है बच्चों वो पैसा जो आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है ठीक है मतलब बिजनेस को रोज के खर्चों के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होता है ग्रॉस और नेट ग्रॉस में याद रखना बच्चों बस आपको सम करना है सारे करंट एसेट्स का और नेट कैसे निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो हमारे पास दो तरीके का वर्किंग कैपिटल होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल ग्रॉस होता है जस्ट एड कर दो सारे करंट एसेट्स नेट होता है सीए माइनस सी एल ओके अच्छा जी अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं फिर से नेचर ऑफ द बिजनेस एक मैन्युफैक्चरर को बच्चों वर्किंग कैपिटल इसको भी ज्यादा चाहिए ट्रेडर को कंपैरेटिवली कम चाहिए सर क्यों मैन्युफैक्चरर को मशीनें चलानी है तो लेबर चाहिए फ्यूल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कितना कुछ तो इसीलिए उस मैन्युफैक्चरर का वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा कोई तो ट्रेडर है तो उसको तो बस सामान खरीदना है और बेचना है उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा स्केल भी सेम लार्ज स्केल है तो ज्यादा स्मॉल स्केल है तो कम बिजनेस साइकिल बच्चों अगर बिजनेस में बूम चल रहा है सब डिमांड हो रही है बहुत बढ़िया तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा बिजनेस डिप्रेशन में है रिसेशन में है तो वर्किंग कैपिटल कम सीजनल फैक्टर्स देखो अगर आपका सीजनल प्रोडक्ट है तो आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा सीजन में ज्यादा बिकता है नॉर्मली कम बिकता है तो फिर सीजन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा अदरवाइज नॉर्मल प्रोडक्ट जो पूरे साल बिकता है उसमें वर्किंग कैपिटल कम्पेरेटिवली कम चाहिए होता है उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल अगर आपकी प्रोडक्शन में ज़्यादा फेसेस हैं यानी तीन चार पाँच फेस से होकर कोई सामान बनता है तो बीच में उतने ही लोग भी होंगे उतनी ही मशीनें भी होंगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल छोटा सा है कि एक दो स्टेप में आपका सामान बन जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम क्रेडिट अलाउड अगर आप उधार बांटते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि आप अपना माल उधार में बेचते हो पैसा आता नहीं है उधार अगर आप नहीं बांटते हो तो वर्किंग कैपिटल कम क्रेडिट अवेल्ड आपको उधार अगर मिल जाता है सपोज आपको सामान उधार पे मिल जाता है तो पैसा कम चाहिए तो वर्किंग कैपिटल कम उधार पे नहीं मिलता तो कैश चाहिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपके ऑपरेशंस कितने स्मूथ हैं अगर आपके ऑपरेशंस बहुत स्मूथ हैं वेस्टेज नहीं होती तो वर्किंग कैपिटल कम अगर आप बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं है अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल कम जब जरूरत हो जाके ले आओ ईजिली अवेलेबल नहीं है तो स्टोर करके रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा सीधी सीधी सी बात है कंपटीशन है मार्केट में तो माल भर के रखना पड़ेगा दुकान में नहीं तो कस्टमर चला जाएगा तो आप कोई भी कमी नहीं छोड़ सकते वर्किंग कैपिटल ज्यादा ठीक है इन्फ्लेशन महंगाई है सब चीज महंगी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा अदरवाइज वर्किंग कैपिटल कम ठीक है जी ये सारे पॉइंटर्स रिवाइज हो गए चलो अब चलते हैं हम अगले चैप्टर पे आइए जी मार्केट्स पे चलते हैं बहुत आसान सा चैप्टर है ये इसमें कुछ खास नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स नाम में ही है देखो फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी मार्केट्स जहाँ पे आपको फाइनेंस अवेलेबल होगा अगर आपको चाहिए अगर आप लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो भी आप इस मार्केट में जा सकते हो इसका मतलब ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेलिंग और परचेजिंग होती है जो बेचना चाहे वो बेच सकता है जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है सीधे सीधा सा मतलब है समझ गए फाइनेंशियल मार्केट देखो क्या लिखा हुआ है अब फाइनेस अब बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम यानी पैसे का लेन होगा विच कंसिस्ट ऑफ दो मेन सेक्टर हाउस और फर्म्स ठीक है हाउस पैसा बचा के रखते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के द्वारा एक फाइनेंशियल मार्केट लिंक है बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स ठीक है दो मेजर ऑल्टरनेटिव हैं जिसके थ्रू आप अपना पैसा एलोकेट कर सकते हो या तो आप अपना पैसा बैंक में रख सकते हो है ना तो देखो यहाँ पे आप हाउस होल्ड हो या तो आप अपना पैसा बैंक में रख सकते हो तो बैंक क्या करता है इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर देता है या फिर आप अपना पैसा मार्केट में रख सकते हो मार्केट भी क्या करेगा इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा अल्टीमेटली पैसा यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है व्यापार तो इन्होंने ही करना है तो आप कहीं भी पैसा रख सकते हो बैंक में लिमिटेड रिटर्न होता है रिस्क कम होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में अनलिमिटेड रिटर्न होता है रिस्क ज्यादा होता है ठीक है जी इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास दो प्रकार की मार्केट्स मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मनी मार्केट कौन सी होती है एक ऐसा मार्केट होता है बच्चों जिसका मेच्योरिटी यानी उसमें आप जो भी इंस्ट्रूमेंट देखोगे या आप मनी मार्केट में जाके सेल परचेज करोगे तो वहां पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबका मेच्योरिटी अप टू वन ईयर होता है इसको शॉर्ट टर्म मार्केट बोला जाता है ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस आपको मेनली मनी मार्केट क्या ध्यान रखना है कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसका मेचोरिटी पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं देखना है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है जी इसके बाद बच्चों ध्यान रखना कि मनी मार्केट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ऑनलाइन होती है कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता इसके अंदर पब्लिक डीलिंग ना के बराबर होती है इसके अंदर जो मेनली डील करने वाले लोग होते हैं म्यूचुअल फंड्स है, होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स होते हैं ये लोग थोड़ा ज़्यादा डील करते हैं गवर्नमेंट होती है आरबीआई होता है पब्लिक इसके अंदर डील नहीं करती ठीक है इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कैपिटल मार्केट्स कैपिटल मार्केट्स क्या है इट रेफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज एंड इन्वेस्टेड तो बच्चों मैं आपको बता दूँ मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग हो गई इसके अंदर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील होगी ठीक है तो ये जो मार्केट है ये दो तरीके का होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल नए शेयर्स फ्रेश शेयर्स फ्रेश डिवेंचर्स फ्रेश सिक्योरिटीज यानी एक तरफ कंपनी होगी जो सिक्योरिटी इशू कर रही होगी एक तरफ पब्लिक होगी जो खरीद रही होगी तो यहाँ पे बिल्कुल न्यू यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पहली बार डीलें होती है उसके बाद सेकेंडरी कौन सी होती है जहां पे सपोज मेरे पास कोई शेयर है मैं बेचना चाहता हूं मैं जाके बेच सकता हूं कोई और खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है तो कंपनी यहाँ बीच में नहीं आएगी यहाँ पे दो इन्वेस्टर ही आपस में सेल परचेज कर रहे हैं सेकेंड हैंड मार्केट इसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं प्राइमरी मार्केट कौन सी हो गई न्यू इशू मार्केट क्योंकि इसके अंदर सारी न्यू सिक्योरिटीज होती हैं जो फर्स्ट टाइम डील हुई है ठीक है इसके बाद क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट इसको हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है ठीक है जी इसके बाद आता है बच्चों स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट को ही बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो ठीक है स्टॉक एक्सचेंज फिजिकली भी प्रेजेंट है हमारे देश में सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज दो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बी और एन स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या करता है लिक्विडिटी देता है आपकी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी मतलब आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो प्राइजिंग होती है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की सर प्राइजिंग कैसे होती है जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो प्राइज हो जाएगा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कोई फ्रॉड ना हो कोई पैसा लेके ना भागे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है क्योंकि आपका पैसा बिजनेसेस तक पहुंचता है बिजनेसेस फर्दर डेवलपमेंट करते हैं इक्विटी कल्ट डेवलप करता है इक्विटी के बारे में अवेयरनेस डेवलप करता है और स्कोप फॉर स्पेकुलेशन भी देता है आपको सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हो प्रॉफिट बना सकते हो इसके बाद आता है बच्चों डिपॉजिटरी किसको बोलते हैं तो डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक जैसे आप अपना पैसा कहाँ रखते हो बैंक में रखते हो ना उसी तरीके से आपके शेयर्स भी तो कोई संभाल के रखेगा शेयर्स कहाँ पे रखोगे डिपॉजिटरी के पास तो डिपॉजिटरी एक ऐसा बॉडी है जो आपके शेयर्स को संभाल के रखता है अपने पास ठीक है डिपॉजिटरी एंड डी मेटेरियलाइजेशन क्या होता है पहले क्या होता था बच्चों पहले जो सिक्योरिटीज चलती थी या जो शेयर्स चलते थे वो पेपर फॉर्म में चलते थे मेटीरियल फॉर्म में चलते थे आजकल सब ऑनलाइन हो गया तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्जन हुआ है इसी को डी मेटीरियलाइजेशन बोलते हैं ठीक है परफेक्ट हमारे पास देश में दो डिपॉजिटरीज हैं चलो बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी दो डिपॉजिटरीज हैं एक सी और एक एन ठीक है जी इसके बाद एन आ गया बेटा बी आ गया ये मैंने आपको बता दिया ये आपको मेनली पता होना चाहिए कि क्या है हमारे पास एन क्या है हमारे पास बी ठीक है इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो इस पी में नहीं है उसके लिए हम चलेंगे दूसरी पी पी पे उसमें हम पढ़ने वाले हैं सेबी के बारे में सर बता दो फटाफट से सेबी क्या होता है तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है बच्चों जो स्टॉक एक्सचेंज की पूरी नज़र रखता है अच्छे से कंट्रोल करता है डायरेक्ट करता है रेगुलेट करता है ऑपरेट करता है सारे के सारे जितनी भी डीलिंग्स हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में सेबी का काम ही ये है कि वो प्रोटेक्ट कर सके वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सके वो डेवलप कर सके स्टॉक एक्सचेंज को वो लोगों का भरोसा बना सके कि भैया स्टॉक मार्केट कोई फ्रॉड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में जब हम पढ़ते हैं जब हम अपनी बुक्स में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं तो आप एज अ इन्वेस्टर अपना ज्ञान लगाओगे आप एज अ इन्वेस्टर अपना नॉलेज लगाओगे आप नॉलेज से ही शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे हाँ एक बात का खास ध्यान रखना मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे फ्रॉड करते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे फ्रॉड करते हैं टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स मेरे नाम से भी फेक बने हुए हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं मैं कभी किसी को कोई टिप नहीं देता भाई मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता कोई शेयर खरीदने के लिए तो अगर आपको कोई भी मेरे नाम से बोल रहा है ना कि शेयर में इन्वेस्ट कर लो उसको जी भर के गाली देना समझे तो उसको अच्छे से उसकी रिपोर्ट कर देना क्योंकि आई नेवर डिड दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप ये पैसा अपना इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो या ये टिप है या ये है ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कहीं भी ऐसा चैनल दिखाई दे उसको रिपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा उसको जितना हो सके अगर आपको वो फोन पे कांटेक्ट करे तो गाली दो और भगा भगा के मारो भैया ये हाल करना समझ गए चलो अच्छा जी अब हम सेबी के बारे में मैंने आपको बता दिया अब मैं दिखाता हूं आपको सेबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये आ गया बच्चों देखो सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन जिसके अंदर सेबी कोशिश करता है कि राइट प्रोटेक्टेड रहे किसी भी इन्वेस्टर को कोई फ्रॉड ना हो तो इसके अंदर सै भी क्या करता है प्रोहिबिट करता है हर तरीके की फ्रॉडलेंट हर तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना दे कोई मैनिपुलेट ना करे किसी भी तरीके से कोई ब्रोकर किसी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना करे इस चीज का ध्यान रखता है दूसरा इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए सारे के सारे स्टेप्स लेता है कि इन्वेस्टर को अगर कहीं पे कोई भी जरूरत है तो वो सारा कुछ सभी अच्छे से करके रखे इनसाइडर ट्रेडिंग रुकवाता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कई बार अंदर के लोगों को सारी डिटेल्स पता होती हैं तो वो उस डिटेल को यूज करके पैसा कमा सकते हैं तो ऐसी डिटेल्स को रोकने का काम सै करता है ठीक है पेनल्टीज लगाता है ऐसी चीज़ों पर प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस फेयर प्रैक्टिसेस मतलब सब कुछ फेयरली चले ट्रांसपेरेंट चले किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी कहीं पे ना हो तो ये सब बच्चों प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं इसके बाद डेवलपमेंटल फंक्शंस आते हैं जहाँ पे सभी कोशिश करता है डेवलप करने का स्टॉक एक्सचेंज को जैसे इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग कराना अलग अलग रिसर्च करवाना पब्लिक इंफॉर्मेशन देना सभी पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग मेजर्स लेना ताकि मार्केट्स अच्छे से डेवलप हो पाएँ तो ये सब डेवलपमेंटल फंक्शंस में आता है ये इस मार्केट को डेवलप करने के लिए करे जाते हैं लास्ट होते हैं बच्चों रूल्स रेगुलेशन बनाना रेगुलेटरी फंक्शन इसमें क्या होता है ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन उसके रूल्स इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का रजिस्ट्रेशन उसके रूल्स जितने भी बैंकर अंडर राइटर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबका रजिस्ट्रेशन उसके नियम टेक ओवर बिड्स अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है बोली लगा रही है वहाँ पे से के रूल्स उसके बाद जितने भी इंस्पेक्शन हैं इंक्वायरीज हैं ऑडिट है स्टॉक एक्सचेंज की वो सब सभी अच्छे से कराता है उसके बाद कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो उस पर पे पेनल्टी लगाना फीस लगाना ये सारा का सारा काम भी सभी के रेगुलेटरी फंक्शन में आ जाता है ठीक है एक छोटा सा टॉपिक और होता है बच्चों की अगर हमें ट्रेडिंग करनी है हमें शेयर मार्केट में जाना है तो, तो क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाना है एक एग्रीमेंट साइन होगा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और उसमें आपको अपना पैन नंबर देना है जो कि मैंडेटरी है बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है फिर वो जो पर्टिकुलर ब्रोकर होगा आपका वो आपका एक अकाउंट खोलेगा जिसको बोला जाएगा डी मैट अकाउंट या फिर बेनिफिशियल ओनर अकाउंट ठीक है उस ब्रोकर को क्या बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि डीपी के पास आपका अकाउंट खुलवा देता है ठीक है वो फिर आपको सिंपली अपना ऑर्डर प्लेस करना है कि आपको कौन सा शेयर चाहिए जो भी आप ऑर्डर दोगे वो मैच करेगा कि वो प्राइस जिसपे आपको खरीदना है और जितने शेयर्स खरीदने हैं वो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है या नहीं है अगर अवेलेबल होगा तो फिर वो क्या करेगा आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करा देगा और आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप में सब लिखा होता है कि हाँ आपका ट्रेड कंफर्म हो गया उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल होंगी कि भैया इतने शेयर्स खरीदे हैं इस प्राइस पे खरीदे हैं इतनी मेरी ब्रोकरेज हैं सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होंगी और आपका फाइनल फिर सेटलमेंट हो जाएगा आपको शेयर दिए जाएंगे आपके खाते से पैसा कटेगा ठीक है इस सारे के सारे काम के लिए जितना भी टाइम दिया गया है वो चलता है टी प्लस टू डेज यानी कि ट्रांजेक्शन प्लस टू डेज आजकल तो टी प्लस वन डे में भी हो जाता है लेकिन एक जनरल जो आपकी बुक्स में दिया गया है वो है ट्रांजेक्शन प्लस टू डेज ठीक हो गया बच्चे तो ये सारा का सारा काम हम लोग को पढ़ना है फिनेंशियल मार्केट्स में अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर थ्री की तरफ ये चैप्टर बच्चों पहला चैप्टर है आई गेस ये तो सबको आता ही है अच्छे तरीके से तो क्या है सर मैनेजमेंट बताओ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स दूसरों से काम कराना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इफेक्टिवली का मतलब है टी सही टाइम से काम होना एफिशिएंसी का मतलब क्या है सी कम से कम खर्चे में काम होना ठीक है तो ध्यान रखना एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड है और इफेक्टिवनेस टाइम से रिलेटेड है ठीक है ये आ गया इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आते हैं जैसे मैनेजमेंट परवेसिव है सबको चाहिए गोल ओरिएंटेड है हमेशा मैनेजमेंट आप एक गोल से रिलेटेड करते हो इंटेंजिबल है देख नहीं सकते आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो डायनामिक फंक्शन है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ग्रुप एक्टिविटी है बहुत सारे लोगों को मिलकर मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है कभी रुकता नहीं है चलता रहता है चलता रहता है मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस उसके बाद मल्टी डायमेंशनल है आपको तीन डायमेंशन पे फोकस करना होता है सबसे पहले काम को मैनेज करो यानी एक्चुअल वर्क क्या है फिर पीपल को मैनेज करो कितने लोग करेंगे फिर ऑपरेशन को मैनेज करो यानी जो एक्चुअल वर्किंग शुरू हो गई है उसको मैनेज करो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिर ऑब्जेक्टिव कितने हैं मैनेजमेंट के तीन ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ सबसे पहले आप इतना पैसा कमाओ कि आप सर्वाइव कर पाओ उसके बाद ग्रोथ प्रॉफिट प्रॉफिट उसके बाद सर्वाइवल के बाद बच्चों प्रॉफिट आता है आप अब इतना पैसा बनाओ कि भैया आपके पास कुछ एडिशनल भी बच जाए उसके बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो आप ग्रो करो तो ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ आ जाता है सोशल में क्या क्या जाता है सोसाइटी से रिलेटेड आप अच्छे प्रोडक्ट्स तो रीजनेबल प्राइस लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो इकोनमी के लिए वेल्थ जनरेट करो एजुकेशन हेल्थ वोकेशनल प्रोग्राम्स चलाओ इको फ्रेंडली मेथड यूज करो ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सनल आपके इंप्लाइज से रिलेटेड होते हैं उनको अच्छी सैलरी दो अच्छी वर्किंग कंडीशन दो रिकगनीशन दो मोटिवेशन दो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दो ये सारे बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ठीक है इसके बाद वी हैव इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है क्योंकि जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतने अच्छे आपके गोल्स अचीव होंगे जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी कम से कम खर्चा आएगा वेस्टेज कम से कम होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा समय के अनुसार खुद को बदल पाओगे उसके बाद मैनेजमेंट आपको आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी इम्प्लाइज को भी हैप्पी रखने में हेल्प करता है राइट right? और लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी अच्छी मैनेजमेंट हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करती है और डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी का भी ध्यान रखती है इसके बाद नेचर आ जाता है बच्चों मैनेजमेंट आर्ट है साइंस है या प्रोफेशन है तो जब हम बात करते हैं आर्ट की तो हम बोलेंगे भैया यस मैनेजमेंट एक आर्ट है सर क्यों आर्ट है क्योंकि जैसे आर्ट के अंदर सबसे पहले थियोरिटिकल नॉलेज होती है वैसे मैनेजमेंट में भी है जैसे आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन है सबका अपना अपना एप्लीकेशन होता है वैसे ही मैनेजमेंट का भी होता है जैसे आर्ट में प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी चाहिए वैसे मैनेजमेंट में भी चाहिए तो तीनों फीचर्स मैच हो जाते हैं इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है क्या मैनेजमेंट एक साइंस भी है तो हम बोलेंगे नहीं मैनेजमेंट एक प्रॉपर साइंस तो नहीं है इम या इमप्रॉपर साइंस हम बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज का ठीक है और उसके प्रिंसिपल्स भी कैसे डेवलप्ड हुए हैं जैसे साइंस के होते हैं देखो जैसे साइंस में नॉलेज है वैसे ही मैनेजमेंट में भी नॉलेज है ज्ञान है जैसे मैनेजमेंट जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बिल्ड हुए हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी हुए हैं लेकिन ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन पे बेस्ड हैं और ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही अनसर्टेन होता है तो हम ये तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली exactly कि वो सेम होंगे सिमिलरली जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं सब जगह सेम होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है लेकिन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द सिचुएशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द वर्किंग्स राइट तो एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस क्या मैनेजमेंट दोनों है आर्ट एज वेल एज साइंस तो हम बोलेंगे यस मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है क्योंकि इसके अंदर दोनों के ही थोड़ थोड़े थोड़े फीचर्स पाए जाते हैं क्या मैनेजमेंट सर प्रोफेशन भी है तो अब देखो प्रोफेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं सर प्रोफेशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं तो देखो प्रोफेशन में हमारे पास होता है सबसे पहले एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि मैनेजमेंट में भी है उसके बाद होता है कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि पूरे नियम कायदे, कानून, वो में ऐसे कोई बनाता कौन है? तो में भी होती हैं जो कि मैनेजमेंट में है मैनेजमेंट में है लेकिन उसके अंदर सारे मैनेजर्स एक पार्ट है ऐसा अभी तक नहीं है उसके साथ साथ बच्चों प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है आप ऐसे ही नहीं जा सकते आप ऐसे ही मन करे मेरा कल से कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो भाई नहीं बन सकता मुझे एक डिग्री चाहिए मुझे एक प्रैक्टिस चाहिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए तो ही बन पाऊंगा तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट में अभी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कोई भी बन सकता है लेकिन अभी धीरे धीरे एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती जा रही है जैसे कि अच्छी कंपनीज़ उन्हीं को मैनेजर्स ले रही हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट करी हुई हैं एम हैं उनको रख रही हैं ठीक है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि कंपनीज अब फॉलो करती जा रही हैं तो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हमें देखने को मिल रही हैं ठीक है लेकिन इनके साथ रजिस्टर्ड होना अभी तक कंपलसरी नहीं है राइट right. तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी फुल प्रोफेशन लेकिन ये मूव कर रहा है वर्ड्स प्रोफेशन धीरे धीरे मूव कर रहा है ठीक है जी इसके बाद लेवल्स आ जाते हैं सर कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के तो बच्चों टॉप लेवल मिडल लेवल लोअर लेवल जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं फिर इसके फंक्शंस देख लो टॉप लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट करना एनवायरमेंट स्कैनिंग करना प्लानिंग करना मिडल लेवल के सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को अच्छे से चेक करना टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना सारी चीज़ें और डेवलप करना और इम्पलीमेंट करना एक्टिविटीज़ जो किसने फ्रेम करी हैं टॉप लेवल ने उसके बाद लोअर लेवल क्या करता है सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलता है सुपरवाइज करता है एम्प्लॉइज को रिपोर्ट करता है मिडल लेवल को और डे टू डे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व यही रहते हैं उसके बाद जितने भी वर्कर्स हैं उनका फीडबैक उनके बारे में सारी चीज़ें यही लोग आगे पहुँचाते हैं ठीक है जी

द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट जब सब डिपार्टमेंट्स एक साथ मिल चलते हैं उसको कॉर्डिनेशन बोलते हैं ठीक है फिर कॉर्डिनेशन के बच्चों कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स एंडश्योरस यूनिटी ऑफ एक्शन सबसे पहले सबको यूनिफाई करता है यूनिटी ऑफ एक्शन सबको एक साथ लेके चलता है सबको इंटीग्रेट करके चलता है उसके बाद कॉन्टीन्यूस है प्लानिंग से शुरू होता है कंट्रोलिंग तक चलता रहता है हर लेवल पे चाहिए परवेसिव है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स हर मैनेजर्स को करना ही पड़ता है और ये एक डेलिबरेट फंक्शन भी है डेलिबरेटली आप करोगे आपकी विश नहीं है आपको करना ही पड़ेगा उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा इससे जब भी आपके नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ बढ़ते हैं यानी ग्रोथ होती है तो जितने ज्यादा लोग उतनी कोऑर्डिनेशन की जरूरत सिमिलरली जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो अलग अलग प्रोफेशनल्स आ जाते हैं तो उसमें डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ते हैं तो ज्यादा कॉर्डिनेशन चाहिए स्पेशलाइजेशन जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं तो फिर स्पेशलिस्ट तो समझते हैं भैया मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ मुझे कोई ना टोके मुझे कोई ना बोले तो वहां पर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है इसीलिए कॉर्डिनेशन चाहिए ठीक है बच्चों फिर आता है हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ऑल द फैक्टर्स ऑल द फोर्सेस ऑल द पीपल जो भी हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें तो उसको हम बिजनेस एनवायरमेंट बोल देते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के क्या क्या, क्या? फीचर्स होते हैं देखो टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज हमारे एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेज हैं स्पेसिफिक हो या जनरल हो स्पेसिफिक का मतलब जो स्पेसिफिकली आपको इम्पैक्ट करती है आपका कस्टमर आपका कॉम्पिटिटर आपका इन्वेस्टर आपका क्रेडिटर आपका बैंकर आपका सप्लायर सिर्फ आपको इम्पैक्ट कर रहा है जनरल फोर्सेज जो सबको करती हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है मार्केट में ओवरऑल रिसेशन है तो वो सबको इंपैक्ट करती हैं ये सब जनरल पॉलिसीज होती हैं बेटा तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज उसके बाद एक से दूसरा जुड़ा हुआ है एक बिजनेस नीचे जाएगा तो उसके साथ कोई और भी डेफिनेटली नीचे जाएगा एक फैक्टर इम्पैक्ट करेगा तो उसके साथ कोई और भी इम्पैक्ट करेगा तो इंटर रिलेटेड है डायनामिक है बिजनेस एनवायरमेंट आज कैसा है कल कैसा होगा किसी को नहीं पता अनसर्टेन है प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कॉम्प्लेक्स है समझ पाना बहुत मुश्किल है आज आप जो प्लान कर रहे हो पता नहीं कल चलेगा या नहीं चलेगा तो वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड रिलेटिविटी बिजनेस एनवायरमेंट हर एरिया हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है तो बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बच्चों ये उसके बाद वी है वाई बिजनेस एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट या इसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है देखो जो फर्म पढ़ लेगी जो अच्छे से बिजनेस एन्वायरमेंट को समझ लेगी उसको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा और वो सबसे पहले आगे बढ़ के बिजनेस एडवांटेज ले लेगी जो बिजनेस को अच्छे से समझ लेगा उसको थ्रेट्स दिख जाएंगे कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को पकड़ लेगा ये ही बिजनेस एन्वायरमेंट को पढ़ना हमें हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्स को फटाफट टैप करने में उसके बाद हम रैपिड चेंजेस के हिसाब से खुद को भी फटाफट चेंज कर सकते हैं हम प्लानिंग अच्छी बना सकते हैं पॉलिसीज अच्छी बना सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करता है तो ये सारा बिजनेस एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इसके बाद वी हैव हाँ डायमेंशन कितने डायमेंशन हैं बिजनेस एनवायरमेंट के तो डायमेंशंस हमारे पास पांच है मेनली ठीक है इसके अंदर आपको बिजनेस एनवायरमेंट को फटाफट से समझ के सो जाना है दैट इज लेफ्ट कौन कौन से होते हैं एस एल ई पी टी ठीक है इकोनॉमिक कौन सा होता है कोई भी चीज पैसे से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन डिस्पोजेबल इनकम स्टॉक मार्केट जो भी आपने इको में पढ़ा है डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन नेशनल इनकम कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं बैंक से रिलेटेड मनी से रिलेटेड गवर्नमेंट के बजट से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के रिसेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सारी चीजें जो आपने इको में पढ़ी ना सब इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आता है सब बिजनेस को इंपैक्ट करती है देखो उसके बाद सोशल में क्या आता है सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन जैसे आज होली है फेस्टिवल है तो फेस्टिवल की वजह से कल बिजनेस में खूब हलचल थी आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा मैंने अपना डेली व्लॉग वाला एक पार्ट डाला था जिसके अंदर मैंने दिखाया था बाजार में कितनी भीड़ हो रही है फुल मार्केट में डिमांड हो रही है पैसा कमा रहे हैं लोग है ना तो कस्टम ट्रेडिशन से ही बिजनेस पे फर्क पड़ता है वैल्यूज से फर्क पड़ता है सोसाइटी ट्रेंड से फर्क पड़ता है सोशल एक्सपेक्टेशन से फर्क पड़ता है पॉलिटिकल कि कौन सा नेशन पॉलिटिकली स्टेबल है है ना अब देखो हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार फटाफट से गिर गई जो भी गवर्नमेंट आती है वो टिकती है वो काम करती है उसको समय मिलता है ठीक है अब तुम पाकिस्तान में ही देख लो पाकिस्तान के अंदर आज तक एक भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं करा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं तो ग्रोथ कहाँ से आएगी बिजनेस विचारों के डाउनफॉल पर रहते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरमेंट में आते हैं लीगल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है बच्चों लॉज रेगुलेशन कोर्ट के जजमेंट्स कोर्ट के ऑर्डर्स बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं ठीक है जैसे हम बोलते हैं uh, कि अभी वो बहुत सारी डॉग ब्रीड्स को बैन किया गया था अगर आपने सुना हो तो बहुत सारी डॉग ब्रीड्स को बैन किया गया तो वहां पे जितने भी लोग उन डॉग ब्रीड्स का बिजनेस करते थे उनका बिजनेस गया बिजनेस पे इम्पैक्ट आया अब वो लॉ है नियम है मानना पड़ेगा भाई समझ रहे हो तो ऐसी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं हैं बच्चों लीगल में आ आती में टेक्नोलॉजिकल कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज होना जैसे पहले बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे अब पे बैठ के पढ़ रहे हैं तरीके से रिवीजन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो ये सारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में आ जाता है ठीक हो गया बच्चों ओके इसके बाद ये तो हमें पढ़ना नहीं है इकोनॉमिक एनवायरमेंट तो हमें इस चैप्टर को यहीं तक अच्छे से करना है और ये हमारा पूरा रिविजन हो गया चार चैप्टर्स का क्विकली आई होप आप सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से रिकैप कर पाए हो अब आपको ये देखना है कि आपको कौन से याद नहीं आ रहे जो याद नहीं आ रहे डिटेल्ड वीडियो में जाओ बुक रीडिंग करो और उसको तैयार कर लो और राइट इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज रात को आठ बजे करने वाले हैं मैंने आपको बताया था उसी के साथ साथ आज रात को आठ बजे एक सैंपल पेपर भी आपको मिलेगा हमेशा की तरह जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है और कल तो काफी मेहनत करेंगे ही करेंगे ठीक है जी थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एन आई एम गॉन आर सी टेक केयर बाय